पिछले 4 महीनों से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सीमा में चोरी व डकैती की 14 घटनाओं को अंजाम देकर एक बार फिर लोगों में दहशत फैलाने वाले चड्डी बनियानधारी पारगी गिरोह के 10 लोगों को सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से चुराया गया सामान भी जब्त किया है, जबकि इस गिरोह के 6 अन्य अभी भी फरार हैं। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक पारगी पेशेवर अपराधी गिरोह हैं। गुब्बारे आदि बेचने के बहाने अलग अलग शहरों में जाते हैं ये लोग और फिर वहां से चोरी डकैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। 4 माह में पूर्व यह गिरोह मध्य प्रदेश से सूरत आया था और यह अमरोली ब्रिज के नीचे पड़ाव डाला था। दिनों में ये लोग अलग अलग इलाकों में गुब्बारे बेचते थे और गुब्बारे बेचने के दौरान घरों में रेकी भी करते थे। एक जना रेकी करने के बाद गिरोह के अन्य साथियों को बुलाता था, फिर सभी मिलकर जायजा लेते थे, उसके बाद चोरी का प्लान बनाते थे। घटना की रात करीब 7 बजे ही सभी अलग अलग तरीकों से घटनास्थल के आसपास फुटपाथ पर खुले मैदानों में पहुंचकर डेरा डाल देते थे। फिर रात 1:30 से 2 बजे के दौरान सभी तय किए गए घर पर पहुंचते और सबका काम बटा हुआ होता था। अधिकतर वे रसोई की खिड़की काट कर अंदर प्रवेश करते हैं। 2-3 जने थैला लेकर अंदर घुसते हैं, शेष बाहर पहरा देते हैं। अंदर घुसे लोगों को कीमती सामान चुरा कर निकलते हैं और सभी निकट में ही तय किए गए स्थान पर पहुंच जाते थे। फिर सुबह होने का इंतज़ार करते थे। सुबह चहल पहल होने पर ऑटो रिक्शा में सवार होकर अमरोली ब्रिज के नीचे अपने ठिकाने पर पहुंचते थे और वहां चुराए गए सामान का बंटवारा भी करते थे। पिछले दिनों हुई घटनाओं के साथ चलते क्राइम ब्रांच अलग अलग तरीकों से उनकी टोह लेने में जुटी थी। जहांगीरपुरा में डकैत व अमरोली के एक बंगले में हुई चोरी की कोशिश की घटनाओं से पुलिस को कुछ फुटेज मिले, जिनके आधार पर पुलिस ने गिरोह के कुछ लोगों को पहचाना और उनके बारे में मुखबिरों को सतर्क किया। एक मुखबिर से पुलिस को खबर मिली कि सभी मध्य प्रदेश जाने के लिए मोटा वराछा लेक गार्डन के पास एकत्र होने वाले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने छापा मारा और 10 को पकड़ लिया, लेकिन शेष 6 किसी तरह बच निकले। पुलिस ने बताया कि पारगी गिरोह के लोग पेशेवर अपराधी हैं। सूरत ही नहीं, उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, खेड़ा, डीसा, वलसाड़, महाराष्ट्र के मुंबई, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पंजाब के भी कई शहरों में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है और पकड़े भी गए हैं। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बजरंग नगर सालाखेड़ी निवासी नंदू पारगी, दिनेश पारगी, अर्जुन सोलंकी, सिम्बा पवार, राजकुमार पवार, बिल्पा गाँव निवासी बल्ला भील कालू बमणी, उज्जैन जिले के नीलगंगा का निवासी बापू सिंह फूलमाली, ग्वालियर जिले के हडीमल का निवासी राजू सोलंकी व विश्वानगर निवासी विकास सोलंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 6 साथी मध्य प्रदेश के गुना निवासी राकेश रुकेश पारगी, देवा पारगी, सचिन भील, मोंटी पारगी गजरात व काला फरार है। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 1.48 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 36,000 रुपए नकद, 1.48 लाख की 8 महंगी घड़ियां, 34,000 रुपए के 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। इसके अलावा 4 गिलोल, 2 पैचेक्स, कटर, हैंड ड्रिल मशीन समेत चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी जब्त किए और आगे की जाँच सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत। सूरत शहर में जेम आपने बधाने खबर छे के ऑल ओवर इंडिया ना लोको आवे छे, व्यापार करे छे, मेहनत मजूरी करे छे। छेला 3-4 महीना में अवारनवार घरफोड़ चोरी ना बनावो, प्रयासों आ प्रकार ना बनावो पुलिस ना ध्यान ऊपर हता अने शहर पुलिस अने क्राइम ब्रांच आ गुनाओं ने शोधवाना प्रयास करती थी। आ एक गैंग जे मध्य प्रदेश थी आवेली छे, मोटा भागना लोको रतलाम उज्जैन विस्तारना छे। आ गैंग ने पकड़वामा सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच ने सफलता मिली छे। 10 गुनेगारों जे आ गैंग ना सभ्य छे आ लोग पकड़ाई गया छे। बीजा केटला गुनागारों एवा छे जेने शोधवानी कामगिरी हाल में चालू छे। आ लोगों ने गुना आचरवानी रीत
બધા નાગરિકોને ખબર પડે એટલા માટે જણાવવાની જરૂરી છે કે આ લોકો મહિલાઓ પણ છે પુરુષો પણ છે ફુગ્ગા વેચવાના બહાને અને વિસ્તારોમાં ફરવાના બહાને ઓટો રિક્ષા લઈને શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં નીકળે સાંજે 4 વાગ્યાથી 5, 6, 7 વાગ્યા સુધી અને આ વિસ્તાર કયો છે સોસાયટીના નામ કયું છે આ ઓટો રિક્ષાવાળા પાસેથી જ માહિતી મેળવીને લખી લેતા હતા પછી રાત્રે ઓટો રિક્ષામાં બેસીને પાછા આ વિસ્તારમાં આવે અવાવરું જગ્યા ઉપર બેઠા હોય સૂતા હોય અને રાત્રિના અંધારાના લાભ લઈને પછી સોસાયટીમાં બંગલાઓમાં પ્રવેશ કરતા હતા થોડા લોકો મકાનની બહારે રહે થોડા લોકો મકાનની અંદર જાય બરાબર ગોઠવણી સાથે અને તમામ સાધનો આ લોકો સાથે રાખતા હતા સ્ક્રૂ ખોલવાના સાધનો આ લોકોની પાસે હતા ગ્રીલ કાપવાના ગ્રીલને ઢીલા કરીને ખોલી નાખવાના પહોળા કરી નાખવાના આ પ્રકારના તમામ સાધનો સાથે આ લોકો દાખલા તરીકે ઘરની બારીના ખીલા વગેરે પેચિયા વડે ખોલવાનું કામ તાર કટિંગનું કામ અને આ પ્રકારના તમામ સાધનો વડી આ લોકો ઘરમાં એન્ટ્રી કરે થોડા લોકો ઘરમાં ચારે બાજુ કિંમતી વસ્તુઓની ચકાસણી કરે આ જ ઘરના કિચનમાં જમવાનું પણ જે કાંઈ ઉપલબ્ધ હોય આ બધું જમે અને પછી કિંમતી વસ્તુઓ લઈને ભાગી જાય કોઈ માણસ વિરોધ કરે કોઈ જાગી જાય એની સામે આવે તો એને ઉપર હુમલો કરવાની અને જીવલોણ હુમલા સુધી કરવાની આ લોકોની તૈયારી થતી હતી જહાંગીરપુરાના એક કેસમાં આ લોકોએ જેવી રીતે પથ્થરમારા કર્યા હતા આના ઉપરથી ખબર પડે કે આ લોકો ભયંકર જનૂની ગુનેગારો છે આ ગુનેગારોની પાસેથી જે મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યા છે આ સોના ચાંદીના દાગીના લગભગ 1.5 લાખ રૂપિયાના રોકડા 36,000 રૂપિયા કાંડા ઘડિયાળ બહુ કિંમતી કાંડિયા ઘડિયાળ છે 8 જુદે જુદે બ્રાન્ડ નેમની છે મોબાઈલ ફોન 8 લોખંડનું ગણેશિયું પેચિયા નંબર 2 કુલનંગ તાર કટિંગ કરવાનું પકડ વાંદરી પાનું લોખંડની ફાણસ હેન્ડ્રીલ પાનું ગિલોલ અંદાજે 4 કોઈ સોસાયટીમાં જાય અને ત્યાં કૂતરાઓ ભસે તો ગિલોલથી એના ઉપર આ લોકો પથ્થર પણ મારતા હતા આ લોકો જે કેસોમાં સફળ થયા આ બધાના મુદ્દામાલ કેટલાક રિકવર થયા છે બાકીના મુદ્દામાલ માટે અત્યારે બાકીના ગુનેગારોને પકડવાની શોધવાની કામગીરી ચાલુ છે પરંતુ આ સફળતાથી સુરત શહેરમાં બીજા કેટલાક બનાવો બનતા અટકી ગયા છે બધા નાગરિકોને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ વડે હું આ વિનંતી કરવા ઈચ્છું છું પોતાના વિસ્તારમાં કોઈ પણ માણસ કારણ વગર આટા ફેરતા મારતા દેખાય ફુગ્ગા કોઈ છોકરાઓ રોડ ઉપર નથી હાલમાં પ્રતિબંધો છે રાત્રે કરફ્યુ પણ છે કારણ વગરની અવર જવર અજાણ્યા ઇસમોની આ પ્રકારના માણસો દેખાય તો એને રોકીને પૂછપરછ કરવાની અને પોલીસને જાણ કરવી આ બહુ જરૂરી છે.